छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर पेंच फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए परिणाम 11 दिसंबर को आ गए, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए उम्मीदवारों में खींचतान जारी है। गुरुवार देर शाम तक इस मसले पर देर रात तक चर्चा हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। कांग्रेस को सत्ता पर बैठाने वाली जनता का मुखिया कौन होगा, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह ही छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव, यह आज तय हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्विंग बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दिल्ली रवाना पहुंच चुके हैं। वहां राहुल के साथ उनकी मीटिंग है। मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर राहुल ही लगाएंगे। इससे पहले बुधवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दोनों के नामों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रस्ताव रखा कि सीएम को लेकर फैसला राहुल ही करें। ताम्रध्वज साहू ने महंत के प्रस्ताव को समर्थन किया। इसलिए अब छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इसकी घोषणा दिल्ली में होगी। सूत्रों के अनुसार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में सबसे आगे हैं। बघेल ने जहां कांग्रेस की खोई हुई ताकत को फिर लौटाया और सत्ता तक ले आए। भूपेश बघेल को सीएम की कुर्सी क्यों दी जा सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं। झीरम कांड के बाद कांग्रेस को मजबूती दिलाई, बीजेपी के खिलाफ हर मोर्चे पर मुकाबला किया, लगातार 5 साल तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा, पहली बार कांग्रेस संगठन को बूथ तक ले गए। आरोपों के बावजूद चुनाव में पूरी ताकत से प्रचार करते रहे। हालांकि भूपेश बघेल हर बार की तरह आज भी पार्टी आलाकमान के फैसले को सराखों पर बैठाने की बात कर रहे हैं। सिंहदेव इसलिए प्रबल दावेदार। देखिए, हम लोग सब हाईकमान पर उनको सौंप दिए हैं, हाईकमान को अधिकृत किए हैं कि उन्होंने वो जो भी नाम तय करे हम सबको मानने हैं। जो भी फैसला लिया जाएगा हाईकमान से आप सब। वहीं दूसरे दावेदार माने जा रहे नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव भी संकट के समय नैया पार कराने में सामने आए। कांग्रेस आलाकमान ने भी उन पर भरोसा जताया और बघेल के सामने खड़ा कर दिया। प्रभावी घोषणा पत्र बनाकर नजर में आए, सदन में सरकार के खिलाफ लगातार मुखर, सरगुजा संभाग में बीजेपी का सफाया किया, साफ छवि और मिलनसार व्यक्तित्व, चुनाव के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में धुआंधार दौरे किए। इसमें विधायक दल में सभी ने सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी को अधिकृत किया था अंतिम निर्णय लेने के लिए। उनकी तरफ से ये प्रस्ताव था, पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन था कि हर एक विधायक को भी जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं उनसे बात करके रायशुमारी करें। तो विधायकों ने जिन लोगों के नाम सुझाए होंगे कि ये संभावित हम लोगों के हिसाब से ठीक हो सकते हैं, मेरे को लगता है उन लोगों को बुलाया है। बाकी और कोई उसके आगे की बात नहीं हो तो पार्टी हाईकमांड सारी फीडबैक लेके बाकी तय करेगा। आप असल हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में, लगता है कि सब छत्तीसगढ़ में भी है या सब कुछ आप देख रहे हैं, हम लोग साथ जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस को सत्ता पर बैठाने वाली जनता का मुखिया कौन होगा, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह ही दिल्ली में बैठे हाईकमान के फैसले का इंतजार करना होगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल का नाम ज्यादा आगे माना जा रहा है। इस नेता ने लंबे समय तक पार्टी के लिए सड़कों पर रमन सिंह सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अजीत जोगी की नई पार्टी से मिली चुनौती को भी झेला और आखिरकार पार्टी को एक ऐसी विजय दिलाई इसके बारे में शायद कोई सोच नहीं सकता। भूपेश बघेल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रमुख हैं। अपने तेवरों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले राजनेताओं में शुमार हैं। हालांकि सीडी कांड की वजह से भूपेश बघेल सुर्खियों में रहे, इसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्हें जमानत लेने से इनकार कर दिया था। बघेल कुर्मी जाति से आते हैं, राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत यूथ कांग्रेस के साथ। दुर्ग जिले के रहने वाले भूपेश यहां के यूथ कांग्रेस बने अध्यक्ष बने। 1990 से 94 तक जिला युवक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के
93 से 2001 तक निदेशक भी रहे। 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो पाटन सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। पर उनको सौंप दिए हैं, हाई कमान जी को अधिकृत किया है कि उन्होंने वो जो भी नाम तय करे हम सबको मान्य है। जो भी फैसला लिया जाएगा हाई कमान से आप सब। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, पेच फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ में भी, क्या अपडेट आपके पास? सुना था जो बैठक हो रही थी छत्तीसगढ़ के लिए वो खत्म हो चुकी है। प्रदीप, अब तक आवाज पहुंच रही है? बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में अब तक नाम तय नहीं हो पाया है कि सीएम कौन होगा। बैठकों का दौर लगातार जारी है और कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है, ऐसी अपडेट आ रही है। कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, क्योंकि दो नाम आगे आ रहे हैं, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी प्रदीप, क्या जानकारी आपके पास? जो बैठक चल रही थी छत्तीसगढ़ के लिए वो खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन छत्तीसगढ़ पर बैठक की है राहुल गांधी ने अपने निवास पर, और वहां पर छत्तीसगढ़ के जो आला नेता जो मुख्यमंत्री रेस में बने हुए हैं उनको बुलाया गया था और उसके साथ चर्चा हुई है और ये माना जा रहा है कि देर रात तक कभी भी फैसला हो सकता है इस नजरिए से, क्योंकि जब ये सवाल हमने पूछा था मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक रहे हैं और रिपोर्ट दी थी उन्होंने राहुल गांधी को, तब उन्होंने कहा कि आज ही शाम तक फैसला हो जाएगा। और रोकना चाहेंगे आपको प्रदीप? नेताओं को बुलाकर राहुल गांधी जी हमारे प्रेसिडेंट बात किए हैं और उनकी सभी बात सुनने के बाद, और वहां के विधायकों ने तो पहले ही यूनानिमसली रेजोल्यूशन करके एआईसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर निर्णय छोड़ा है, तो उन्होंने चार नेताओं को यहां पर बुलाकर डिटेल में उनसे बात की है 1-to-1 और उसका निर्णय अब राहुल गांधी जी अब घंटा दो घंटे में जो भी होगा लेंगे और या कल सुबह लेकर हमको इन्फॉर्म करेंगे, कल उसी के तहत वहां पर हम निर्णय बताएंगे। हाँ, विधायक दल की बैठक कल होगी, उसमें हम बताएंगे। सर, लेकिन क्या ताम्रपाल साहू का नाम भी कहा जा रहा है? अगर वो रहता तो यही अनाउंस करके जाते थे, या किसी का भी रहता तो। अभी कोई इंडिविजुअल हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, उनसे 1-to-1 बातचीत हो गई है, बातचीत में उन्होंने सबकी बात सुनी है और अंतिम फैसला उनको करना है, वो करके हमको वो बताएंगे। सर, क्या टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल कौन आगे? कौन आगे? बिल्कुल, ये निकले मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और कल सर बैठक होगी वहाँ पर विधायक दल की, उसमें बताया जाएगा कल होगी। तो सारा डेटा राहुल गांधी देना है, क्या हुआ बैठक में? वो राहुल गांधी जी ने चारों नेताओं को सुना है और उसके बाद वो बताएंगे, अपना निर्णय देंगे, क्योंकि वही अधिकृत हैं और वो अधिकार उनको है, तो वो बताएंगे, अवगत कराएंगे। लेकिन कल विधायक दल की बैठक है और उसमें जाके नाम का। सर, इतना समय क्यों लगा बैठक को? कोई बैठक, कोई विवाद जरूर था? नहीं, कोई विवाद थोड़ी होता है, जब अकेले बात करनी तो विवाद तो थोड़ी होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और बेल पुनिया बाहर निकले हैं, बैठक खत्म हुई है छत्तीसगढ़ के मसले को लेकर। प्रदीप, इंतजार कल तक का करना होगा? देखिए, मुझे आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम तय कर लिया गया है, यानी राहुल गांधी ने जो बैठक की है या फिर छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ, और उनको इस नाम के बारे में इंडिकेशन भी मिल गया है। सीधे तौर पर कहे तो सीएम के लीडर हमारे खड़गे जी और पुनिया जी बताएंगे जो हुआ। सर, चेहरे की खुशी तो कुछ और बता रही है, क्या हुआ है सही बताते हैं?
कुछ नहीं अभी कुछ नहीं। जी प्रदीप कंटिन्यू। प्रदीप आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, और आपको मैं बता दूं कि जो राहुल गांधी के निवास पर बैठक हुई उसमें चर्चा हुई है छत्तीसगढ़ में सीएम कौन बनेगा। इस पर फौरी तौर पर अगर देखें तो ये नाम तय हो चुका है, लेकिन अगर देखें आप जो चार नाम प्रमुख तौर पर रेस में थे उनमें सबसे आगे चंद्रध्वज साहू उस रेस में आगे हैं, और इसके अलावा जो टी एस सिंहदेव है जो सीएमपी लीडर रहे हैं, और विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने वहां पर काफी अच्छा काम किया है, ये फीडबैक दिया पार्टी को, ये जरूर है कि वो भी रेस में है, नंबर दो कोई को माना जा रहा है। इसके अलावा भूपेश बघेल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान ने मन बनाया है, यानी मुख्य मुकाबला जो बताया जा रहा है वो टी एस सिंहदेव और चंद्रधर साहू के बीच माना जा रहा है। तो देखना होगा कि कौन बनता है, या फिर भक्तचरण सिंह जो जो भक्तचरण जो महंत है वो उनकी लॉटरी लगती है, सीधे तौर पर यहाँ पर अभी निकल कर आएगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उससे पहले पहले क्योंकि ये मसले सुलझाने में राहुल गांधी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाए, वोटर लीड पर उनको जवाब देना है, जो हमला हुआ उनके ऊपर सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी हमलावर है, और इसके बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लिहाजा पहले राजस्थान के बारे में निर्णय हुआ और उसके बाद ऐलान कर दिया गया, अशोक गहलोत के नाम का ऐलान किया गया, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अब छत्तीसगढ़ की बारी है और छत्तीसगढ़ में निर्णय हो चुका है, औपचारिक ऐलान होना है, जैसा कि खड़गे ने भी कहा है कि घंटे दो घंटे में कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है संभावना है कि सवाल यही पूछ लिया जाए जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो यही जवाब दे दें, इसकी भी संभावना बनी हुई है। बड़ा लेकिन मुश्किल ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि जितनी मशक्कत चुनाव जीतने में की है कांग्रेस ने उतनी ही मशक्कत अब मुख्यमंत्री चुनने में हो रही है। देखिए जिस तरीके से फार्मूला अपनाया गया और शक्ति ऐप जो कांग्रेस ने लॉन्च की थी उसके जरिए एक फोन कॉल रिकॉर्ड काफी चर्चित रहा, जिसमें राहुल गांधी शक्ति ऐप के जरिए ये पूछते नजर आ रहे हैं कि आप किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो एक फीडबैक भी लिया गया था पार्टी कार्यकर्ताओं से, और उसके जरिए एक कोशिश हुई है कि एक पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री का चुनाव हो, एक स्पष्ट जनादेश भारी जनादेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिला है, लिहाजा कोई विवाद न हो इस तरह की कोशिश की जा रही है, एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके जरिए यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम आगे आएगा। फिलहाल देखना होगा कि इस रेस में कौन सबसे आगे निकल कर आएगा, लेकिन ये तय है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नाम तय हो गया है, औपचारिक ऐलान होगा। बिल्कुल, अनिल पुसादकर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, कुछ तस्वीर क्या साफ होती नजर आ रही है या अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएल पुनिया कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कल तक ये साफ हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी उसमें ऐलान होगा कौन होगा मुख्यमंत्री। जी तय तो हो चुका है दिल्ली में, बस अब यहाँ पर उसकी औपचारिक घोषणा होना बरोस बाकी है, और दौड़ में तो जैसे सबको पता ही था कि भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू थे, लेकिन जो कुछ होना होता है वो तो दिल्ली से ही तय होता है, यहाँ बस लोगों को इंतजार है, लोग भी बहुत परेशान है, कार्यकर्ताओं का भी जो है सब्र का बांध टूटता जा रहा है, और कल विधायक दल की बैठक है, आज असल में ये शायद बैठक आज हो जाती, लेकिन यहाँ से जो हमारे जो चारों यहाँ के जो प्रत्याशी थे मुख्यमंत्री पद के, वो सुबह यहाँ कोहरा होने के कारण जो है उनका विमान जो है पहला जो फ्लाइट चूकी, फिर वो विमान ही यहाँ से उड़ान नहीं भर पा रहे थे कोहरे के कारण, तो देर से जाने के कारण बैठक वहां उनकी देर से शुरू हुई, और इसलिए वो शायद वापस नहीं आ पा रहे हैं, वो कल ही आएंगे, और कल यहाँ पे विधायक दल की बैठक है, उसी में ही तय हो पाएगा। जी पूजा, बिल्कुल, ये बड़ा कठिन दौर रहता है किसी भी दल के लिए। अनिल, जीत तो हासिल कर ली मेहनत करके, लेकिन उसके बाद की मेहनत भी वास्तव में बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि जिसको सीएम बनाया जाएगा दूसरे सीएम पद के दावेदार के समर्थक नाराज हो जाएंगे, हंगामा शुरू हो जाएगा, फिर एक वो मन मुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है पूजा जी, देखिए छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जो हाशिए पे गई थी उसका कारण था गुटबाजी, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस का जो हाल हुआ था, जो हश्र हुआ था, उसका मुख्य कारण था गुटबाजी। छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही यहाँ पर विद्याचरण शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला जैसे दिग्गजों को किनारे करके अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया था हाईकमान ने, और उन्होंने अपनी अलग ताकत बनाई और गुटबाजी की, विद्याचरण शुक्ला को कांग्रेस छोड़ने से बाहर मजबूर कर दिया था,
तो वो स्थिति जो है वो कांग्रेस को लगातार कमजोर करते जा रही थी, और आज फिर वही स्थिति है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जो पिछले 5 साल बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह जो दोनों ने मिलकर काम किया कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को मैदान में खड़ा करने के लिए, नेता प्रतिपक्ष थे टीएस सिंहदेव, वो विधानसभा में जो है कांग्रेस को मजबूत पक्ष रखते थे मजबूती से, और ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने का काम किया था भूपेश बघेल ने। लेकिन आज जो है दोनों के बीच में अब दिख नहीं रही है, लेकिन बिल्कुल ये तय है कि बहुत बड़ी खाई दोनों के बीच में बन गई है, क्योंकि भूपेश बघेल और जो टीएस सिंहदेव दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है बात भी करने लग गए हैं। मेरे बल्कि ये जो है तीसरा गुट भी आ गया है डॉक्टर चरणदास महंत का और तांडव साहू, जो बहुत सीधे साधे और बहुत सॉफ्ट स्पोकन और सिंपल लीडर कहलाते हैं, यहाँ के बहुत सीधे साधे ईमानदार नेता कहलाते हैं, जो सांसद थे उनको लेकर भी साहू समाज जो है ओबीसी वो एक गुटबाजी कर रहा है। उनका ये कहना है कि साहू समाज को मिलनी ही चाहिए, और इस 4-5 गुट के अलावा जो है यहाँ जो आदिवासियों की जो मांग है शुरू से, जब से राज्य बना है छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से जो ये मांग कर रहे हैं, अजीत जोगी ने खुद आदिवासी एक्सप्रेस की मांग की थी, भूपेश बघेल जो अभी मुख्यमंत्री के दावेदार है इन्होंने खुद उस समय आदिवासी एक्सप्रेस चलाई थी, तो आदिवासियों का जो नेतृत्व है वो भी देख रहा है कि उनको जो है, लेकिन आदिवासी चारों जो दावेदार है उसमें आदिवासी कहीं ये पूछा जी। लेकिन अब जितनी देर होगी अनिल उतनी ही किरकिरी होगी कांग्रेस की। देखिए किरकिरी तो यहाँ हो ही रही है, यहाँ तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने कह दिया है कि बारात निकल गई है, दूल्हा ही नहीं है, बिना दूल्हा के बारात जा रही है और जश्न मना रहे हैं तो किसके लिए मना रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो मायूसी है ही कि वो चाह कर भी जो है, देखिए जो मुख्यमंत्री बनेगा कार्यकर्ता ऑटोमेटिकली उधर चले जाएंगे, आज भले ही इस ग्रुप में उस ग्रुप में दिख रहे हैं उनकी मजबूरी होती जाना, लेकिन नेताओं के बीच में जो खाई जो बनती जा रही है जितना देर होने से उसको तो ये तो समझ ही नहीं हमें आया कि इतनी देर क्यों लग रही है। हालांकि बहाना जरूर ये कांग्रेस के नेता बना रहे हैं कि भाजपा को भी देर लगती थी, अरे उन्होंने जो किया उसकी गलती का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, अगर यहाँ पर आप वही कर रहे हैं तो फिर उनमें और आप में फर्क क्या है। ये जो देर हो रही है वो जो है गुस्सा कार्यकर्ताओं में जो है एक दूसरे के प्रति जो है मनस्ता और गुटबाजी की खाई को बढ़ा ही रही कहीं ना कहीं। जी पूजा जी शुक्रिया आपका अनिल जी इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए। तो गहमा गहमी लगातार जारी है, क्योंकि अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कल तक का इंतजार करना होगा, विधायक दल की बैठक में इस बात का ऐलान होगा। इस बीच छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, वहां किस तरह की हलचल है, मंथन का दौर लगातार जारी है, तमाम अपडेट्स हमारे सहयोगी सत्येंद्र की इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रायपुर का ये वही ग्राउंड है जहां पर जो राहुल गांधी ने यहां पर जब रैली की थी और सबसे पहली बार उन्होंने किसानों को 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की थी, और यही वो उनका एक मूव रहा जो कांग्रेस का और प्लस पॉइंट पूरे चुनाव में साबित हुआ। तो यही जो वो ग्राउंड अब नई सरकार है उसकी शपथ का भी ये गवाह बनने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 मंच तैयार किए जा रहे हैं, 3 मंच यहाँ पर है। एक मंच जो है जहाँ पर सारे जो विधायक हैं वो वहाँ पर बैठेंगे, उस मंच पर जो भी निर्वाचित विधायक है वो मंच पर बैठेंगे। दूसरे मंच पर ये जो बीच में मंच है यहाँ पर जो सीएम रहेंगे उनके साथ जो विशेष अतिथि रहेंगे वो सारे लोग यहाँ पर बैठेंगे। अब अगर हम तीसरे मंच की बात करें तो जो पीछे आपको तीसरा मंच दिख रहा है वो तीसरे मंच पर जो आउट ऑफ स्टेट मतलब कि जो बाहर से जो अतिथि आएंगे जो स्टेट के नहीं रहेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उन लोग यहाँ पर बैठेंगे। सर ये जो मंच बन रहा है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मंच का स्ट्रक्चर आज देर रात तक कंप्लीट होने की संभावना है, सजावट का काम कल सुबह किया जाएगा, मौसम के हिसाब से कोई रात में सजावट करने से सुबह तक खराब होने की संभावना है, फ्लावर डेकोरेशन कल सुबह करेंगे, बाकी मंच तीनों मंच आज देर रात तक पूरे कर लिए जाएंगे। ये जो मंच बनाए जा रहा है यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, कैसे? बीच वाले मंच पे शपथ ग्रहण का कार्य होगा और लेफ्ट वाले मंच पे भावी विधायकों का भावी मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था है, राइट साइड वाले मंच जो हमारे प्रदेश स्तरीय गणमान्य अतिथि हैं उनके बैठने की या प्रदेश के बाहर के जो अतिथि होंगे उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। आम लोगों के लिए यहाँ पर क्या सुविधा है? लोगों के लिए हमने मंच के ठीक सामने 12 खाने बनाए हैं, उस 12 खाने में 32,000 के आसपास लोग बैठेंगे, उसके अलावा भी ग्राउंड में इतना जगह उपलब्ध है
कि आवश्यकता अनुसार उसमें 12-15 हज़ार कुर्सियाँ और लगाई जा सकती हैं। कितने लोगों की करीब यहाँ पर बैठ बैठने की व्यवस्था 32 हज़ार के आसपास की हो रही है हमारे 12-14 खानों में, और शेष आवश्यकता के अनुसार चेयर रहेंगे, उसको हम आवश्यकता अनुसार फैला देंगे। तो यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं और VIP चूंकि रहेंगे तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था की गई है, और उम्मीद की जा रही है कि कल ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ सत्येंद्र सिंह, टोटल न्यूज़ रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद राज्य शासन के अधिकारियों ने किसानों की कर्ज माफी की तैयारियां शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार का पहला बड़ा फैसला हो सकता है। युवाओं को रोजगार और 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने के वादों के साथ सत्ता में लौटी कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती किसानों का कर्जा माफ करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राहुल को कर्ज माफी के मास्टर स्ट्रोक ने ही इतनी बड़ी जीत दिलाई है। लिहाजा सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सरकार के सामने बाकी कामों से पहले किसानों की कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करना होगा। यहां गौर करने वाली बात ये है कि किसान चुनाव तक धान बेचने नहीं पहुंचे। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद राज्य शासन के अधिकारियों ने किसानों की कर्ज माफी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि ये राज्य में कांग्रेस सरकार का पहला बड़ा फैसला हो सकता है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग के उप सचिव PS सर्पराज ने संचालक संस्थागत वित्त संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को पत्र लिखकर किसानों के ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए जानकारी मांगी है। पत्र में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा की पूर्ति के लिए किसानों के ऋण माफी योजना को तैयार किया जाना है। अधिकारियों से कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत बैंकों की तरफ से किसानों को वितरित कृषि ऋण की जानकारी 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराएं। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस ने जिन प्राथमिकताओं को तय किया है उनको छत्तीसगढ़ के लिए जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए। राहुल जी ने किसानों को आश्वस्त किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर लोन वेवर हो जाएगा, 2500 रुपए में धान खरीदी का भाव आ जाएगा। कांग्रेस ने न केवल अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा किया, बल्कि राहुल ने तकरीबन हर भाषण में कर्नाटक और पंजाब के किसानों से कर्ज माफी के वादे को पूरा करने की बात फोन पर पूछने को कहा। ऐसे में राहुल कितनी जल्दी और कैसे किसानों का कर्जा माफ कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।